जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले हुआ और आने वाले वक्त में जो हमारा प्रोग्राम श्रीनगर में होने जा रहा है उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और उसके साथ साथ जो परसों हमारा जो विजिट जम्मू में था और हमारी जो वहाँ पे मीटिंग्स हुई जम्मू के साथ जो जम्मू के एसोसिएशन है वहाँ पे भानु प्रताप जी या सतीश जी उनसे बात हुई, जो प्रोग्राम अब जम्मू कश्मीर में आएगा वो जम्मू में भी वही प्रोग्राम होगा और कश्मीर में भी वही प्रोग्राम होगा और उसके साथ साथ हम यही डिमांड करते हैं अपने ऑनरेबल एलजी साहब से कि जो भी हमारी डिमांड्स है यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ का जो 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन है, यहाँ का सीजनल लेबर कैजुअल लेबर है या सफाई कर्मचारी है, CPW है या लैंड ओनर्स है, IT वर्कर्स है, SDF वर्कर्स है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए जल्द से जल्द एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई जाए और जो यहाँ पे एक मजलूम कौम है यानी कि मैं ऐसा कहूँगा कि 61,000 के करीब जो आरजी मुलाजमीन है और इनसे जुड़े हुए 6,00,000 लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द एक रिलीफ। आज हमने बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को अवेयर करो, जितने भी सारे कैजुअल लेबर हैं उनको अवेयर करो क्योंकि हमारा जो कमिंग सून में श्रीनगर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, इसके लिए इनको तैयार करना है। इसलिए हमारा ये कोशिश हर वक्त रहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पहले हम जाया करते हैं, वहाँ लोगों को प्रिपेयर करते हैं, फिर श्रीनगर के अंदर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। मोहतरम मोहम्मद अमीन साहब ने किया है जिसको हम यहाँ पे तमाम बाड़ी की तरफ से हमको इसको अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, एग्रीकल्चर कुफारा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना रहे हैं हम।